हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है सेम साउंड वर्ड। अब आप पूछोगे कि सेम साउंड वर्ड क्या होता है। सेम का क्या मतलब होता है? सेम सेम मतलब साउंड, आवाज और वर्ड। सेम साउंड मतलब जो भी वर्ड होंगे, दो वर्ड होंगे, दोनों की साउंड सेम है, हम उन्हें बोलेंगे सेम, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, मीनिंग अलग होता है बिल्कुल। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा नंबर वन बी आई आर टी एच, इसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ। और बी ई आर टी एच, इसको भी क्या बोलेंगे हम? बर्थ। दोनों की साउंड सेम है। साउंड का मतलब क्या होता है? दोनों का हम प्रोनाउंस सेम कर रहे हैं, दोनों को बर्थ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। स्पेलिंग में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन उनकी साउंड सेम आती है। देखो यहाँ बी आई आर है और यहाँ पर बी ई आर है, तो इस तरीके से हम इनमें दोनों ने डिफरेंस मालूम करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो बी आई आर टी एच जो बर्थ होता है उसका होता है जन्म। हम बोलते हैं ना बर्थडे, तो उसमें यही वाला बर्थ यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वो जन्म से रिलेटेड है, जन्मदिन। फिर है बी ई आर टी एच, ये होता है बर्थ, ये होती है सीट। सीट को बोलते हैं हम बर्थ। मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम नीचे वाली बर्थ पर है, या आप देखते होगे बीच वाली बर्थ होती है, ऊपर वाली होती है, तो वो बर्थ होती है, कौन सी सीट है हमारी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ गया आपको। साउंड सेम है दोनों की, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है और मीनिंग भी डिफरेंट है। नंबर टू है ओ यू आर आवर और एच ओ यू आर आवर, इसको भी हम आवर बोलते हैं, इसको भी आवर बोलते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। देखो, और दोनों की स्पेलिंग में भी यहाँ पर एच है और यहाँ पर ओ यू आर है। तो अवर मीन्स क्या होता है? हमारा। और एच ओ यू आर अवर मीन्स क्या होता है? घंटा। जो हम घड़ी देखते हैं, घड़ी में जो भी छोटी सुई होती है वो किसकी होती है? हमारी घंटे की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवर। अवर मीन्स घंटा, उसी के जरिए हमें पता चलता है ना कितने घंटे हो गए। नेक्स्ट है हमारा सन, एस यू एन सन और एस ओ एन सन। तो देखो हमने दोनों को सन बोला, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। एस यू एन सन, सन मीन्स क्या होता है? सूरज। और एस ओ एन सन, सन मीन्स क्या होता है? बेटा। ठीक है, फिर है टी ए आई एल टेल और टी ए एल ई टेल। देखो दोनों की साउंड सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। टी ए आई एल यहाँ पर है टी ए एल ई, तो टी ए आई एल टेल, टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ। और टी ए एल ई टेल, टेल मीन्स क्या होता है? कहानी। उसके बाद हमारे नंबर फाइव है सी, दोनों को सी बोलते हैं हम, एस डबल ई सी और एस ई ए सी। तो एस डबल ई सी, सी मीन्स क्या होता है? देखना। और एस ई ए सी, सी मीन्स क्या होता है? समुद्र। उसके बाद डब्ल्यू आर आई टी राइट और आर आई जी एस टी राइट, दोनों को राइट बोलेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग देखो। डब्ल्यू आर आई टी राइट, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। अभी हमने जीके में पढ़ा था यही वर्ड, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। और आर आई जी एस टी राइट, राइट मीन्स क्या होता है? दायां और सही। इसके दोनों मीनिंग है, दोनों के लिए यही वाला राइट यूज होता है। अगर हम कहते हैं कि जो वर्ड करेक्ट है उसके आगे राइट का टिक लगाओ, तो राइट का मतलब क्या होता है? राइट मतलब सही, जो सही है उसके आगे सही का टिक लगाओ। और दायां, जैसे कहते हैं ना दायां और बायां, तो जो राइट होता है वो क्या होता है? दायां। ठीक है, उसके बाद है हियर हियर, एच ई ए आर हियर हियर में क्या होता है? सुनना। ये देखो इसमें ईयर की स्पेलिंग इसी के साथ जुड़ी हुई है, ई आर ईयर होता है ना, उसके साथ एच जोड़ा, हियर बन गया। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। हियर से हम क्या करते हैं? सुनते हैं ना। उसके बाद है एच ई आर ई हियर, हियर मीन्स यहाँ। नेक्स्ट है हमारा पी आर ए वाई प्रे और पी आर ई वाई प्रे, दोनों को प्रे बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। पी आर ए वाई प्रे, प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना। जो आप डेली भगवान के आगे प्रार्थना करते हो या आप स्कूल में प्रेयर करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रे। और पी आर ई वाई प्रे, प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार। ठीक है, एक हंटर जो होता है, एक शिकारी जो होता है, जंगल में शिकार करने जाता है, तो उस शिकार को क्या बोलते हैं? प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार। तो देखो इसमें साउंड सबकी सेम थी, लेकिन मीनिंग सबका डिफरेंट था, तो इसी को कहते हैं हम सेम साउंड वर्ड, क्योंकि इसमें वर्ड की साउंड एक होती है, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, उन्हीं स्पेलिंग की वजह से हमें उसका मीनिंग मालूम चलता है कि कौन सी वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आपको ये अपनी इंग्लिश की कॉपी में नोट करने हैं और आपको लर्न करने हैं। आपको ऐसा नहीं है बच्चों एक दिन में सारे ही लर्न करने हैं, आप एक दिन में टू कर लो, फिर टू नेक्स्ट डे कर लो, टू नेक्स्ट डे कर लो, इससे आपको जल्दी भी याद होगा और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।